नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में अगर बीजेपी से कोई लड़ रहा है तो वो सबसे पहले मुसलमान, उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिर पिछड़ा समाज। लेकिन जो इस देश का सवर्ण है, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी में हो, चाहे वो सपा में हो, चाहे वो बसपा में हो, चाहे वो किसी पार्टी में हो, वो किसी भी वक्त बीजेपी में जा सकता है। इसलिए मैं बात कह रहा हूं कि इस देश में जाति सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, एक बताइए, सवर्ण समाज के लोगों से ऐसा बीजेपी से क्या प्यार है? सवर्ण समाज को बीजेपी से इसलिए प्यार है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस जातिवाद को कायम रखती है। वो जो मनुस्मृति है उसको लागू करना चाहती है। वो संविधान से नफरत करती है, वो मुसलमानों से नफरत करती है, वो SC ST OBC के अधिकारों से नफरत करती है बीजेपी। इसलिए सवर्णों की वो पहली पार्टी, पसंदीदा पार्टी है। मजबूरी में वो किसी पार्टी में जा सकते हैं जब मुख्यमंत्री बनना हो। अब असम में एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन गया, वहां के आदिवासी सबसे ज्यादा, उसको बीजेपी ने नहीं बनाया, क्या कर लीजिएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा खेला हुआ है पंजाब, अभी सबसे ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है। आपको पता है पंजाब में काउंसलर का चुनाव हुआ था, 14 सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने, 12 सीटें जीती बीजेपी ने, एक अकाली दल की सीट आई और 8 सीटें जीती कांग्रेस ने। और आपको पता है क्या हुआ? बीजेपी का मेयर बन गया 14 वोट पाकर। मान लीजिए कि बीजेपी का 12 सीटें जीती थी बीजेपी ने, तो 12 बीजेपी के मेयर ने, काउंसलर ने बीजेपी के साथ खड़ा रहा, तो 2 वोट कहां से आए? पता है आपको 2 वोट कहां से आए? 7 कांग्रेसी नहीं आए वोट देने, 1 कांग्रेसी ने वोट दे दिया। मतलब कांग्रेस ने बीजेपी के मेयर को बना दिया। अकाली दल भी वोट नहीं करने गया, वो बाहर रह गया। आम आदमी पार्टी का 1 वोट रद्द हो गया, मतलब रद्द नहीं हुआ, उसने भी सपोर्ट किया स्ट्रेटजी के तहत। मतलब आम आदमी पार्टी का भी 7 वोट, 7 काउंसलर, कांग्रेस पार्टी का भी 7 काउंसलर बीजेपी का मेयर बना देता है। आप सोचिए। और पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री बना के कांग्रेस जो है, कांग्रेस से लड़ाई पंजाब में कौन लड़ रहा है? बीजेपी से कौन लड़ रहा है कांग्रेस की तरफ से? चरणजीत सिंह चन्नी, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट है, मुख्यमंत्री हैं। सोचिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिसको बीजेपी ने कई बार कैप्टन अमरिंदर सिंह जिसको कांग्रेस ने कई बार मुख्यमंत्री बनाया, वो बीजेपी के गोद में चला गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि मायावती कभी बीजेपी में शामिल हो जाए, और अगर हो गई तो उनका समाज क्या हाल करेगा उनका? उदित राज जी शामिल हुए थे, उनका समाज उनको नकार दिया। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कितने भोले हैं और कितने ईमानदार हैं, कितने सच्चे हैं कि उनकी राजनीति करने वाले को 24 कैरेट गोल्ड होना पड़ता है। अब सोचिए, मैं SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करता हूं, मैं OBC कम्युनिटी से हूं, मैं चाहूं भी तो बीजेपी में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मुझ पर लोग इतना थूकेंगे, मुझे लोग इतना जलील करेंगे कि मैं शर्मिंदगी से मर जाऊंगा। लेकिन मैं अगर सवर्ण होता तो जब चाहूं तब प्रोग्रेसिव बात करता, और जब मन हो तब मैं बीजेपी में चला जाता। मैं कांग्रेसी होता तब भी ये कर सकता था, अगर मैं सवर्ण होता तो। लेकिन कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी जहां रहता है वही निष्ठा से, सोचिए बीजेपी में जो SC ST OBC माइनॉरिटी है वो भी बीजेपी के साथ रहता है, बीजेपी से समाज के लिए बगावत नहीं करता है, लेकिन सवर्ण समाज के लोग बगावत करते हैं। आपको पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद मनीष तिवारी, जो बीजेपी का बड़ा नेता है पंजाब से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मंत्री रहे हैं, वो अब खुलकर मोदी के समर्थन में आ गए हैं, क्योंकि उनको एक दलित मुख्यमंत्री नहीं पच रहा है। मनीष तिवारी ने कहा है कि जहां प्रधानमंत्री की गाड़ी लगी थी वो पाकिस्तान के रेंज में था, मतलब पाकिस्तान से प्रधान, मतलब चन्नी ने साजिश की है। और चन्नी जी को देखिए, वो दिलेर आदमी, मेहनती आदमी, जो मीडिया रात दिन गाली दे रही, आज तक की एंकर श्वेता सिंह कह रही कि चन्नी ने तू तरा किया, प्रधानमंत्री को बेइज्जत किया है। यही कैप्टन अमरिंदर सिंह होते तो मीडिया साथ होती, यही मनीष तिवारी होते तो मीडिया साथ होती, लेकिन एक दलित मुख्यमंत्री है इसलिए मीडिया उनके साथ नहीं है। मुझे नहीं पता कांग्रेस उनके साथ कब तक बनी रहेगी, लेकिन चंडीगढ़ में कांग्रेस के 7 लोग आए ही नहीं वोट देने, और 1 ने वोट देकर बीजेपी का मेयर बना दिया। आम आदमी पार्टी का 1 वोट रद्द हो गया, मतलब वो भी साजिश के तहत।
तो सोचिए इस देश का जो सवर्ण है, मनीष तिवारी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, पाकिस्तान के वो रेंज में थे। ये स्थिति है इस देश में, सवर्ण समाज किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इस देश में बीजेपी से लड़ रहा है कोई तो इस देश का मुसलमान, इस देश का SC, फिर शेड्यूल कास्ट और तब OBC। इस देश के जितने सवर्ण हैं वो किसी भी पार्टी में रहें, उनकी वैचारिक सहमति RSS के साथ है, ये सब साफ होता है, आप मानिए या नहीं मानिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी का जो भला होगा वो SC ST OBC और माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियों से हो सकता है। और बहु SC ST OBC माइनॉरिटी को बाबा साहब ने कहा वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल। आपको भी देखना पड़ेगा कि आपको कहां तक पावर मिल रहा है। तो सोचिए कांग्रेस जो दिन रात बीजेपी के खिलाफ अपने आप को प्रोजेक्ट करती है, उसका काउंसलर बीजेपी का मेयर बना देता है, कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहता है कि चन्नी गलत हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश में सबसे बड़ी है जाति। अगर चन्नी शेड्यूल कास्ट नहीं होते तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नहीं जाते, सिद्धू भी बगावत नहीं करते, मनीष तिवारी भी उनके साथ बने रहते, लेकिन चन्नी जी का जवाब नहीं है। जो आज तक की श्वेता सिंह वही चीप वाली CHEAP, चीप मतलब सस्ता नहीं कह रहा हूँ, चीप मतलब नैनो चिप नोट वाली, वो कह रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है। चरणजीत सिंह चन्नी का पहले वीडियो देखा आपने, अब वो नया उन्होंने बीजेपी के लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, चरणजीत सिंह चन्नी वहां चले गए और उनसे बात की। ये कोई बहुजन में ही इतनी ताकत हो सकती है। चरणजीत सिंह चन्नी ने इसलिए एक ट्वीट किया है, सरदार पटेल को कोट किया है कि जिसको अपनी जान की चिंता हो उसको इतने बड़े देश में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, ये कहते थे सरदार पटेल, देश के पहले गृह मंत्री, कि यह देश इतना बड़ा है उसकी बड़ी जिम्मेदारी उस आदमी को नहीं लेनी चाहिए जिसको अपनी जान की चिंता हो। तो प्रधानमंत्री का जो जान की जो चिंता है, एक ड्रामा है, एक खबर है, सिंपथी गेन करने का तरीका है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय, पंजाब में चंडीगढ़ में कांग्रेस के नेता ने, काउंसलर ने वोट देकर बीजेपी का मेयर जिता दिया, आम आदमी पार्टी के काउंसलर ने बीजेपी का मेयर बनवा दिया अपना वोट खराब करके। सोचिए 12 वोट मिले थे बीजेपी को, 12 काउंसलर जीते थे बीजेपी को, बीजेपी की 8 कांग्रेस की जीती थी, 1 अकाली दल और 14 आम आदमी पार्टी ने जीता था। तो कायदे से किसका काउंसलर बनना चाहिए था? आम आदमी पार्टी का। हुआ क्या, 12 के 12 बीजेपी के काउंसलर ने बीजेपी को वोट दिया, 1 वोट कांग्रेसी ने दे दिया, 7 आए ही नहीं, और आम आदमी पार्टी वाले ने 1 वोट अपना खराब कर लिया, तो आम आदमी पार्टी को 13 वोट रह गए, बीजेपी वाली महिला को 14 वोट मिल गए, बन गया मेयर, जाति भी बच गई। तो ये होता है सवर्ण समाज का दिमाग। कम से कम कांग्रेस को तो ये अधिकार नहीं है कि वो कहे कि वो बीजेपी से लड़ रही है, बीजेपी से तो कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता ही लड़ सकता है, अखिलेश, लालू यादव, मायावती, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन। सोचिए बीजेपी के बड़े नेता मनीष तिवारी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था क्योंकि उनको दलित CM पच नहीं रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, SC ST OBC माइनॉरिटी को अपना नेता चुनना चाहिए। इस देश में जाति बड़ी बात है, इस देश में जाति कभी जाति नहीं है, इसलिए SC ST OBC माइनॉरिटी का अगर कोई भला कर सकता है तो वह SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता ही कर सकता है, चाहे वो किसी पार्टी में हो। और सवर्ण समाज का नेता किसी भी पार्टी में हो वो अपनी ही जाति का सोचता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।